सेगमेंट में जब भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर्स की बात आती है तो जहन में सबसे पहले TVS Ntorq का नाम आता है, और Ntorq TVS के लिए एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट भी रहा है। लेकिन हाल ही में सुजुकी अपने एवेनेस को इंडियन मार्केट में लेकर आया है। अब इन दोनों स्कूटर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, फीचर्स दोनों में क्या क्या दिए गए हैं, और कौन सा किस से किस मायने में बेहतर है, उन सभी पहलुओं पर मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे तीन धासु और तीन नॉट सुधासु एलिमेंट्स मुझे क्या लगे TVS Ntorq और सुजुकी एवेनेस के बारे में। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रिव्यू की। पहले इन दोनों स्कूटर्स के डिजाइन एलिमेंट्स और फीचर एलिमेंट की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रंट से। पहले बता देता हूँ आपको, ये जो है Ntorq का रेस XP वर्जन है, एंड ये जो एवेनेस का है रेस एडिशन वर्जन है। तो इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। डिज़ाइन की बात करें, फ्रंट डिज़ाइन थी तो वो स्पोर्टी शार्प लाइंस जैसे कि हमें Ntorq में देखने को मिलती थी, तो एवेनेस में भी वैसा ही कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज सुजुकी ने यूज़ किया है। अब कंपटीशन उससे है तो वैसे ही कुछ डिज़ाइन इस एवेनेस में देखने को मिलती है। यहाँ पर इसके LED हेडलाइट्स दिए गए हैं विद DRL, साइड में DRL दिए गए हैं, एंड यहाँ पर पियानो ब्लैक और ब्लू कलर का ये कॉम्बिनेशन इस कलर में देखने को मिल रहा है। एवेनेस की बैजिंग फ्रंट में दी गई है। फिर जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो इसके हैंडल बार में ही इंटीग्रेटेड करे गए हैं, एंड यहाँ पर हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, यहाँ पर LED नहीं है। फिर Ntorq की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फ्रंट डिज़ाइन में देखने को लगेगा, एंड एवेनेस का जो डिज़ाइन है फ्रंट का वो थोड़ा सा चौड़ा आपको Ntorq के मुकाबले देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर LED हेडलाइट्स हैं विद DRLs Ntorq में देखने को मिलते हैं। Ntorq की बैजिंग है, एंड यहाँ पर इसमें ये RTFI की बैजिंग फ्रंट में देखने को मिलती है। ये इसका रेस XP वर्जन Ntorq का है, एंड स्मार्ट एस्टिमेट की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, एंड इंडिकेटर्स सेम एज एवेनेस इसके हैंडल बार में ही यहाँ पर दिए गए हैं जो कि हैलोजन बल्ब के साथ आते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन लैंग्वेज वही शार्प लाइंस, स्पोर्टी एलिमेंट दोनों में ही साइड प्रोफाइल में देखने को मिलता है। यहाँ पर Ntorq में 125 रेस XP की बैजिंग दी गई है, एंड नीचे भी यहाँ पर एक TVS रेसिंग की बैजिंग दी गई है। थोड़ा सा यह कार्बन फाइबर एलिमेंट नहीं है, बट यहाँ पर डिज़ाइन के तौर पर दिखाने की कोशिश यहाँ पर TVS ने इसके Ntorq में करी है। देन Ntorq 125 की बैजिंग यहाँ पर है, एंड रेस की बैजिंग ये स्टिकरिंग ग्राफिक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं एवेनेस में ये इसका रेस एडिशन है तो इसमें एक्स्ट्रा की स्टिकरिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, एंड सुजुकी की बैजिंग है पीछे, एंड एवेनेस का बड़ा सा लोगो इसकी साइड प्रोफाइल में देखने को मिलता है, एंड नीचे सुजुकी की बैजिंग भी दी गई है इस एवेनेस में। इसके अलावा साइड से वही स्पोर्टी और अग्रेसिव डिज़ाइन वाला फील दोनों ही स्कूटर से मुझे देखने को मिल रहा है। हालांकि कलर वाइज अगर मैं प्रेफर करूँ तो कलर कॉम्बिनेशन मुझे Ntorq का थोड़ा बेटर एवेनेस के मुकाबले अभी फिलहाल लग रहा है। रियर प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पर टेल लाइट्स जो हैं वो LED हैं, इंडिकेटर्स दिए गए हैं, इंडिकेटर्स में हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल है सेम एज फ्रंट, एंड यहाँ पर भी एवेनेस में टेल लाइट्स जो हैं LED हैं, इंडिकेटर्स में हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल देखने को मिलता है। बट रियर डिज़ाइन में Ntorq थोड़ा सा मुझे 20 इस रियर प्रोफाइल के डिज़ाइन के हिसाब से देखने में लग रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ फीचर्स की, स्पेस प्रैक्टिकलिटी कैसी है दोनों स्कूटर्स में। बात करते हैं पहले Ntorq की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फुली डिजिटल Ntorq में देखने को मिलता है। इसमें दो मोड दिए गए हैं जो यहाँ से स्विच कर सकते हैं, रेस और स्ट्रीट मोड इस Ntorq में देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर सेट का बटन दिए गए इससे टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। इसमें लैप टाइमर भी इस Ntorq के रेस एडिशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा राइट साइड में इंजन किल स्विच है, हैजर्ड लाइट का बटन है, एंड यहाँ पर इसमें वॉइस कमांड वाला फीचर भी दिया गया है जो TVS के स्मार्ट एस्टिमेट ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है जो एवेनेस में देखने को नहीं मिलता, लेकिन वॉइस कमांड वाला फीचर यहाँ पे दिया गया है। देन इग्निशन स्विच ऑन, इंडिकेटर्स एंड हाई बीम लो बीम का स्विच लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। फ्रंट में यहाँ पर कोई स्पेस इधर नहीं दिया गया है, एक सिंगल हुक यहाँ पर है, एंड एक हुक यहाँ पर नीचे इसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा इसका जो बूट है उसको ओपन करने के लिए फिजिकली आपको उतरना पड़ेगा, वहाँ से आप जिसका क्री स्लॉट है वहाँ से इसके बूट को ओपन करा नहीं जा सकता है। तो ये मुझे लगता है एक
प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। अब जनरली सभी स्कूटर्स में जो फ्यूल का लिड है वो रियर में देखने को मिलता है, लेकिन उसका एक्सेस भी यहाँ पर फ्रंट में दिया होता है, लेकिन यहाँ पर इसको खोलना है इसके बूट को, तो आपको यहाँ से उतर कर इसको खोलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एंटॉक के फीचर्स की बात करें तो इसमें भी पूरे डिजिटल स्क्रीन दिया गया है, एंड इसमें हालांकि अलग अलग राइडिंग मोड्स नहीं मिलते हैं। बेसिक इन्फो स्पीडोमीटर दिया गया है, एंड फ्यूल गेज है, टाइम, बैटरी वोल्टेज एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, देन ट्रिप मीटर, ओडोमीटर एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह यहाँ पर इसके डिस्प्ले में देखने को मिलती है। इसमें वॉइस कमांड वाला फीचर जैसे कि मैंने कहा एंटॉक में दिया गया है वो इस एवेनिस में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर दो पॉकेट्स दिए गए हैं राइट में और लेफ्ट में, एंड लेफ्ट में यहाँ पर इसका USB चार्जिंग स्लॉट भी देखने को मिलता है। एक हुक यहाँ पर है, एक हुक यहाँ पर इसमें नीचे दिया गया है। फ्लोर की बात करूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस इसके फ्लोर में मुझे एंटॉक के मुकाबले देखने को फिजिकली अभी मुझे देखने को मिल रहा है। तो सिलेंडर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा वो अलग सवाल है, बट फिलहाल अभी यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देन राइट साइड में इंजन किल स्विच और इग्निशन स्विच एक ही में दिया गया है, एंड लेफ्ट साइड में हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स एंड हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है। हैजर्ड लाइट का बटन वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एवेनिस में नहीं दिया गया है। हालांकि इसके बूट को एक्सेस करने के लिए आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से ओपन हो जाएगा, लेकिन इसके फ्यूल कैप को अगर खोलना है तो उसके लिए उतरना पड़ेगा। यहाँ पर इसका ये स्लॉट दिया गया है। अब बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम बूट स्पेस है, अराउंड 21.5 लीटर का स्पेस इस एवरेज में है, एंड अराउंड 22 लीटर्स का बूट स्पेस इसमें देखने को मिलता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ जो यहाँ पर है इस एंटॉक में वो है ये लाइट, यहाँ पर इसमें ये दी गई है, एंड USB चार्जिंग स्लॉट भी इसका यहीं पर इसके साथ दिया गया है, एंड इसके बूट में जो है वो लाइट वाला फीचर देखने को नहीं मिलता है। ये बात हो गई स्पेस, फीचर्स और डिज़ाइन की। अब हार्डवेयर की बात करें टायर्स और ब्रेक्स की, तो टायर्स जो है एंटॉक में वो 12 इंच के सेक्शन के आगे पीछे दिए गए हैं, लेकिन जो एवेनिस है फ्रंट में हालांकि उसमें 12 इंच का टायर है, लेकिन रियर में 10 इंच का टायर दिया गया है, जो कि मुझे लगता है इसके साइज़ के हिसाब से, इसका रियर जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से वो टायर थोड़ा छोटा मुझे इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन देखने में लगता है। फिर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो TVS के एंटॉक में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 155 mm का, लेकिन जो एवेनिस का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 5 mm ज़्यादा है, यानी कि 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एवेनिस में देखने को मिलता है। और वेट के हिसाब से भी एवेनिस एंटॉक के मुकाबले 10 kg लाइटर है, इसका वेट है अराउंड 116 kg, एंड इसका वेट है एवेनिस का 106 kg का। ये इसके फीचर्स, इनके डिज़ाइन, इनके स्पेस की बात हो गई। अब ये दोनों ही रेस XP और रेस एडिशन इन दोनों स्कूटर्स के हैं, कौन सा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक से बेहतर है, कौन सा बेटर परफॉर्मर है, अब बात करते हैं उसकी। अब TVS के एंटॉक 125 रेस XP और एवेनिस के इस रेस एडिशन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, राइड के दौरान इन दोनों को चलाने के बाद कैसा महसूस मुझे हुआ। कुछ आंकड़ों पर पहले नज़र डालते हैं तो इंजन जो इनमें दिया गया है TVS एंटॉक में वो है 125cc का, पावर जनरेट करता है अराउंड 10 bhp की, एंड टॉर्क जनरेट करता है मैक्सिमम 10.8 Nm का। वहीं दूसरी तरफ एवेनिस के इंजन की बात करें तो सेम 125cc का इंजन है, पावर जनरेट करता है 8.5 bhp और टॉर्क है 10 Nm का। फिर डायमेंशंस की बात करें तो सुजुकी का एवेनिस जो है इन टर्म्स ऑफ लेंथ थोड़ा सा बड़ा है TVS के एंटॉक से। विड्थ की बात करें दोनों ही स्कूटर्स में वो सेम है, हाइट थोड़ा सा एवेनिस का ज़्यादा है, एंड व्हील बेस थोड़ा TVS एंटॉक का ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात हम कर चुके हैं, फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 5.8 लीटर की एंटॉक में है, एंड 5.2 लीटर्स की सुजुकी एवेनिस में देखने को मिलती है। अब राइड परफॉर्मेंस की बात करें तो शुरुआत में जो इनिशियल एक्सपीरियंस, इनिशियल इंप्रेशन है दोनों स्कूटर्स का, हालांकि वेट जो है एवेनिस का अराउंड 10 kg एंटॉक के मुकाबले कम है, तो वो शुरुआत में जो पिकअप है या एक्सलरेशन है वो थोड़ा बेटर एवेनिस में देखने को मिलता है, एंड दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द लाइट वेट। जो 10 kg वेट एवेनिस का कम है उसकी वजह से थोड़ा बेटर एक्सलरेशन स्टार्टिंग में एवेनिस में देखने को मिलता है, अदरवाइज पावर के हिसाब से एंटॉक का भी पावर काफ़ी अच्छा राइड के दौरान मुझे देखने को मिला, एंड वहाँ पर एवेनिस से वो थोड़ा बेहतर दिखाई देता है।
टॉप स्पीड की बात करें तो वो अराउंड 90-91 के आसपास एवरेस्ट टच कर लेता है एंड अराउंड 93-94 के आसपास एंटॉक टॉप स्पीड टच कर लेता है। अब दोनों स्कूटर्स के पावर और टॉर्क के आंकड़ों में 19-20 का ही फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन एवरेस्ट थोड़ा बेटर है एंड एंटॉक एक बेटर पावर डिलीवरी बाद में स्कूटर में देना शुरू करता है, तो वो इन दोनों स्कूटर्स में राइड के दौरान मुझे देखने को मिला। इसके अलावा हैंडलिंग की बात करें तो वहां पर मुझे एंटॉक थोड़ा बेटर महसूस हुआ एवरेस के मुकाबले एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि जो एंटॉक में है रियर में जो टायर दिया गया है वो 12 इंच का है एंड उसका वेट थोड़ा ज़्यादा बैलेंस महसूस होता है राइड के दौरान कंपेयर टू सुजुकी एवरेस। कंफर्ट की बात करें, सस्पेंशन सेटअप जो दिया गया है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स है दोनों में एंड रियर में कॉयल स्प्रिंग है एंटॉक में और स्विंग आर्म रियर में सुजुकी एवरेस में देखने को मिलता है। कंफर्ट के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा बेटर कंफर्ट, ओवरऑल सीट कंफर्ट, सस्पेंशन सेटअप, जब थोड़ी तेज रफ्तार में आप चला रहे हैं अचानक बम्प्स आते हैं या ब्रेकर्स आते हैं तो वहां पर स्लाइटली बेटर कंफर्ट सुजुकी एवरेस में देखने को मिलता है। देन ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी दोनों ही स्कूटर में प्रिसाइज है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम या सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम जो भी आप कहना चाहते हैं दोनों ही स्कूटर में देखने को मिलता है, तो ब्रेकिंग चाहे तेज रफ्तार में है धीमी रफ्तार में है दोनों ही सिचुएशन में मुझे कोई दिक्कत ब्रेक्स को लेकर महसूस नहीं हुई। फिर एंटॉक में जो अलग अलग मोड दिए गए हैं स्ट्रीट और रेस मोड जो कि एवरेस्ट में देखने को नहीं मिलते, हालांकि उन दोनों मोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, बट इसके अलावा बहुत मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अलग अलग मोड में अगर आप चला रहे हैं तो महसूस नहीं होगा, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, बट ये फीचर एंटॉक में देखने को मिलता है जो कि एवरेस्ट में नहीं दिया गया है। इसके अलावा लैप टाइमिंग वाला फीचर भी एंटॉक में टीवीएस ने दिया है। अब बात करते हैं धासु और नॉट्स धासु एलिमेंट्स इन दोनों स्कूटर्स के बारे में मुझे क्या लगे, तो पहले बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स जो कि मुझे एवरेस्ट में बेटर लगे हैं, वो है इसमें जो स्पेस प्रैक्टिकलिटी है, फ्रंट में यहाँ पर दो पॉकेट्स दिए गए हैं तो स्पेस के हिसाब से मुझे लगता है कि एवरेस्ट ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंटॉक के मुकाबले। वहीं दूसरी तरफ बात करें पावर की परफॉर्मेंस की तो वहाँ पर एंटॉक का चाहे एग्जॉस्ट नोट हो चाहे उसकी परफॉर्मेंस हो वो एवरेस्ट के मुकाबले ज़्यादा बेटर लगती है और वो आंकड़ों में भी देखने को मिलती है। फिर तीसरा धासु नॉट्स धासु एलिमेंट जो मुझे लगा है इन दोनों के बारे में फीचर्स जो हैं ज़्यादा एंटॉक में देखने को मिलते हैं एवरेस्ट के मुकाबले, तो अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो वहाँ पर एंटॉक एक बेटर ऑप्शन है। फिर चौथा और फाइनल नॉट्स धासु या धासु एलिमेंट जो मुझे लगता है वो है डिज़ाइन के बारे में, एंटॉक का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, स्पोर्टी है एंड ये प्रूवन स्कूटर ऑलरेडी है इस सेगमेंट में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एवरेस्ट के डिज़ाइन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पोर्टी एलिमेंट स्पेशली जो शार्प एजेस हैं फ्रंट में वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा बेटर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एवरेस्ट एंटॉक के मुकाबले लगता है। अब प्राइस की बात करें तो दोनों ही स्कूटर्स का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1,000-1,500 रुपये का फर्क है, थोड़ा एंटॉक 1,000-1,500 सुजुकी एवरेस्ट के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली है, बट दिस इज समथिंग विच इज इग्नोरेबल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन की बात करूँ दोनों स्कूटर्स को राइड करने के बाद जो मुझे महसूस हुआ है, मुझे लगता है सुजुकी एवरेस्ट थोड़ा बेटर स्टार्टिंग में राइड के दौरान महसूस होता है, तो अगर आप थोड़ा बेटर एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं, एंटॉक ऑलरेडी एक प्रूवन स्कूटर है इस सेगमेंट में, 125cc परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो स्कूटर्स हैं वहाँ पर एंटॉक काफ़ी समय से मौजूद है और अच्छा भी टीवीएस के लिए परफॉर्म करता आया है, लेकिन सुजुकी एवरेस्ट एक नए ऑप्शन के तौर पर इस सेगमेंट में एंट्री ले चुका है, तो अगर आप बेटर स्टार्टिंग में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्कूटर से और थोड़ा बेटर कंफर्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल स्पेस अपने स्कूटर में थोड़ा बेहतर थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है सुजुकी का एवरेस्ट एक बेटर ऑप्शन आपके लिए ज़रूर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ टीवीएस का एंटॉक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी एवरेस्ट के मुकाबले एंटॉक में देखने को मिलते हैं और एंटॉक के पास एक प्रूवन प्रोडक्ट वाली एडवांटेज भी है, तो इन मायनों में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है वहां पर टीवीएस का एंटॉक भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन जरूर बन सकता है।